हेलो IIT एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स की रिपीपी नंबर 3 के सॉल्यूशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 माइनस कॉस 2x कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक एक्स ऑलरेडी यहां पर है, हमने एक्स स्क्वायर क्रिएट कर दिया। इस 3 प्लस कॉस एक्स को ऐसे ही रहने देंगे और जो ये एक एक्स्ट्रा एक्स है उसको इस 10 4x के साथ पेयर कर देंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है तो 4x भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। 10 के अंदर यहां पर फंक्शन 4x है तो मैं यहां पर 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूं। अब जरा ध्यान से देखना तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 2 एज इट इज रहेगा। एक्सटेंडिंग टू 0 पर कॉस 0 1, 3 प्लस 1 वो हो गया 4, 4x अपॉन 10 4x, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो ये आंसर आ गया अपना 2। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। अपना जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है e^(fx-1)/fx प्रोवाइडेड दैट fx इज टेंडिंग टू 0, तो यहां पर मैं इधर न्यूमरेटर में प्लस 1 और माइनस 1 करूंगा। यहां पर जो fx है वो एक्स स्क्वायर है, वही चीज हमको डिनोमिनेटर में भी चाहिए, तो एक्स स्क्वायर क्रिएट कर दिया, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इस साइन स्क्वायर एक्स को इसके साथ। अब देखिए भाई जरा, e^(fx-1)/fx और जब एक्स टेंडिंग टू 0 है तो fx मतलब एक्स स्क्वायर भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ गई 1। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, मैंने कहा था कि इसकी वैल्यू ध्यान रखो। तो लिमिट लगाने के बाद ये बन गया 1, ये बन गया 1/2 एक्स अपॉन साइन एक्स, एक्सटेंडिंग टू 0 पर होता है 1, दिस इज 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 3/2। बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमसे सिर्फ राइट हैंड लिमिट के बारे में बात की गई है, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस। 0 प्लस मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा, 0 से थोड़े से ज्यादा के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0। तो ये बन गया 0, ये भी बन गया 0, तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो सिर्फ डराने के लिए था। अगर आप डर गए तो एग्जामिनर का मोटिव फुलफिल हो गया, और अगर आप नहीं डरे तो उसका पोपार्ट हो गया। डिनोमिनेटर में x कॉमन निकाल लेता हूं। अब जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू 1 आती है। तो लिमिट लगाई कॉस इनवर्स 0 π/2, साइन इनवर्स x/x 1, x 0 है तो ये बन गया 1, π/2 × 1 × 1, सो द आंसर इज π/2। बात समझ में आई। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये चीज जो है ना ये फैक्टराइजेबल है, दिखा क्या, देखो ध्यान से। इन दोनों में से मैं माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 4 बाहर निकाल रहा हूं, ये सिर्फ ब्रैकेट वाली चीज को अभी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पूरे एक्सप्रेशन में से मैंने 1 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर बाय 2 बाहर निकाला है, तो यहां बच जाएगा 1, यहां है
कॉस एक्स स्क्वायर बाय फोर, डिनोमिनेटर में क्या है एक्स रेज टू पावर एट। वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, यहां पर थीटा क्या है एक्स स्क्वायर बाय टू और यहां पर थीटा क्या है एक्स स्क्वायर बाय फोर। एक्स स्क्वायर बाय टू का बाय टू एक्स स्क्वायर बाय फोर। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो पर एक्स स्क्वायर बाय फोर भी टेंडिंग टू जीरो है, एक्स स्क्वायर बाय एट भी टेंडिंग टू जीरो है, तो देखो जरा इसको कैसे लिखेंगे अपन। ये टू इंटू टू तो फोर हो गया, ये इधर ये फोर बाहर निकलेगा सिक्सटीन बनके, इधर ये एट बाहर निकलेगा सिक्सटी फोर बनके। साइन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है जीरो को, क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी, इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ फोर अपॉन 16 इंटू 64 इज 1/256 टू रेज टू पावर माइनस एट। के की वैल्यू क्या हो गई एट, यहां पर माइनस के लिखा हुआ है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ई रेज टू पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स प्रोवाइडेड एफ एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। तो मैं पहले यहां से ये ई बाहर निकाल लेता हूं। अब एफ एक्स क्या हो गया कॉस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, वही चीज अब अपन डिनोमिनेटर में क्रिएट करेंगे। ये एक्स रेज टू पावर एम जो यहां पर ऑलरेडी है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो वन बन गई। अब अपने को खाली इस पे फोकस करना है, एक ई ऑलरेडी बाहर है, वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब साइन के अंदर जो फंक्शन है वही अपन डिनोमिनेटर में क्रिएट करेंगे। इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू बन गई वन, ठीक है भाई। अब अपने पास क्या क्या आ गया, माइनस टू ई, तो यहां पर यह बात देखो कि अगर ये एक्स की पावर कुछ भी बच गई तो लिमिट की वैल्यू या तो जीरो आएगी अगर न्यूमरेटर बड़ा हुआ तो, या तो टेंडिंग टू इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी हो जाएगी अगर डिनोमिनेटर बड़ा हुआ तो। अपने को चाहिए फाइनाइट वैल्यू, तो यहां पर एक्स बचना नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ टू एन शुड बी इक्वल टू एम, और अगर टू एन इक्वल टू एम हुआ तो ये चीज खड़ी आएगी, यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस टू ई बाय फोर, मतलब माइनस ई बाय टू, और वही यहां पर वैल्यू है। सो दिस थिंग इज करेक्ट, एम बाय एन की वैल्यू निकालनी थी दैट इज टू। बात समझ में आई। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।